तो जी आज जो है ना आपको हम देसी बंदे और देसी खुराकें जो है ना आज आपको हम दिखाते हैं। देसी खुराकें जो है बनने लगी हैं अलसी की पिनिया। पिनिया होती है ना, आपको पता है सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में गर्म और ताकतवर खुराकें खाई जाती हैं। तो आपको अभी जो है ना मैं दिखाता हूँ, आज जो है ना घर में बनने लगी हैं देसी अलसी की पिनिया। देसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं और देसी घी में बनाएंगे। सबसे पहले तो आप इस बंदे को देखे जानते हैं, और ये जो है ना ये है अलसी, मतलब जिसकी पिनियाँ होती हैं ना ये वही चीज़ है। तो उसके बाद ना ये है जो ड्राई फ्रूट होता है सारा, ये है पिस्ता, काजू है, बादाम है, ये इसे कहते हैं चाड़े मगज़, ये फूल मखाने हैं, ये चने हैं, और ये साथ इसके बादाम है, ये जो है ना कड़ाछोड़ी है, गिरियाँ। तो यार जैसे जैसे ये बनता है ना वैसे वैसे आपको इसका प्रोसीजर बताते हैं, फिर आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। जैसे ये शुरू होता है ना फिर मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले जो है ना गिरियाँ क्रश कर लें। तो यार ये बंदा जो है ना हमने लगाया हुआ है, क्या क्या कर रहे हो भाई? चने को छिलके अलग कर रहा हूँ। छिलके अलग कर रहा है, पंजाबी में कहते हैं ना दाल चुगड़ है जल्दी कर। माशाल्लाह आगे तुमने जो है वो अपनी वाइफ के साथ भी मेहनत करनी करनी है, दाल के रोड़े रूड़े साइड पे करने हैं। उन्हें की होटल पाना है, होटल तू पाना है ना। तो फिर जो है ना बाकी हम आपको जो है ना दूसरा सीन दिखाते हैं फिर आप। तो यार ये इसमें पिस्ता जो है वो आ गया, और ये बादाम भी जो है वो इसमें डाल देते हैं सारे। तो अभी हम जो है वो सारा काजू भी चेक करते हैं इसमें, फिर जो है वो उसको भी इसके अंदर डालते हैं, और ये वो जो अलसी पड़ी हुई है ये सारी चेक हो गई है। लो जी हमारे काजू जो है वो ये भी साफ़ हो गए हैं, ये भी इसमें डालते हैं, और ये जो है वो चारों मगर ये साफ़ हो रहे हैं, फिर ये भी इसमें डाल के इसको ग्राइंड करेंगे और इसके अंदर जो है वो फिर पका देंगे। लो जी इसमें जो है वो मगज़ भी आ गए हैं, अब इसको जो है वो ग्राइंड करेंगे। अभी ग्राइंड करते हैं आपको फिर दिखाते हैं सारा इसको फिर पका के ना। तो यार ये जो है ना इधर फ्लावर मखाने जो है कौन से मखाने? ये फूल मखाने हैं, इनको फ्लावर मखाने भी कह सकते हो। फ्लावर मखाने जो है ना क्या हो रहे हैं, पूजड़े हैं ये? पंजाबी में बताना चाहूँ तो इनको भून रहे हैं, पकड़ के हम। और इंग्लिश में? इंग्लिश में लाइट सा फ्राई कर रहे हैं इनको। फ्राई कर रहे हैं लाइट सा? हाँ, लाइट प्रो मैक्स। हाँ जी, तो जो है ना वो अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला भाई जो है ना माशाल्लाह से इनको दाल शाल चुगनी भी आ गई है, और कुछ पकाना पकुना भी सीख रहे हैं। तो इसका मतलब है ये अच्छे हाउस हस्बैंड, इसका मतलब है हाउस हस्बैंड बन सकते हैं। मेरी बीवी खुश रहेगी, तुम लोगों की तरह नहीं हूँ बाहर से खिलाता रहूँ और माँ बाप को तंग करता रहूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? वो कभी उसका नहीं दिल करेगा तो मैं बना के उसको खिला दूंगा। सुनी जाओ बस, सुनी जाओ सुनी जा। तो ये जो है ना फ्लावर मंगाने थोड़ी देर में होते हैं, फिर इनको भी जो है ना ग्रैंड ही कर। चलो ये जो है ना अलसी भुनने लगे हैं, फ्राई करने लगे हैं। तो आपने थोड़ी थोड़ी जो है ना पंजाबी सुननी है, कोई मसला नहीं, खैर है चलती है इतनी सी। चलो और जल्दी करो, कर रहा हूँ। चलो चलो चलो, ये क्रक क्रक की आवाजें आ रही हैं, ये भुनी जा रही है। 26 साल का एक्सपीरियंस है, एज कितनी है आपकी? 26 साल। ठीक हो गया, 2 साल पहले तो ही शुरू कर दिया ही काम। एक्सपीरियंस बहुत है ना, काम बहुत है कीता तो एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया। ठीक है, वो ये वाली हो गई है फ्राई, और उसको बाद दूसरी ये वाली हो गई है। तो अब जो है वो दूसरे वाली करते हैं, ये गर्म है। हुई 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 तो यार अब ये जो है ना इसको ड्राई फ्रूट करने हैं ग्राइंड, इसमें ग्राइंड करके जो है वो डालेंगे। तो इसको जो है वो भी हम करते हैं ग्राइंड।
ब्रांड हो गए बिल्कुल ऐसे हो गया जबरदस्त। तो यार अभी ये असली कर ला ओहो अलसी कर रहा है ग्रैंड ग्रैंड नहीं है फ्राई हूँ फोन रहा हूँ इसको चलो अंदर से ग्रैंड करके आ रहा हूँ ना इधर भी जो है वो ग्रैंड ही मुंह से निकल गया। आप रही ये हमारे साथ इनाम अली और कैमरा मैन इत्शाम अली के साथ मुझे दें इजाजत मिलते हैं आपको अगले प्रोसीजर में। यार ये शेफ बहुत कमजोर बहुत सुस्त है सुस्त नहीं है देर का लगा हुआ है अभी तक इससे मैं फ्राई की कर रहे हैं की कर रहे हैं अलसी असली अलसी अच्छा ते की ओंदा नाल आंदे ने सुस्ती पे आएगी मेनू हां आलस पे आएगी मेनू भी ठीक हो गया। ओह माय गॉड लो जी ये ड्राई फ्रूट जो है ना ये तो सारे हो गए हैं ग्रैंड अब बाड़ी है अलसी की अब इसको करते हैं ग्रैंड। ये जो है वो गर्म है बिल्कुल अब इसको इसके अंदर डाल के जो है वो ग्रैंड कर देते हैं ये अलसी की। लो जी ये जो है वो ग्रैंड होके ऐसी हो गई है पहले इसे हल्का सा फ्राई किया था फिर उसके बाद इसे ग्रैंड किया था अब ग्रैंड करके इसे जो है वो परात में डाल लिया है इसको अब मिक्स करके इसके जो है वो पिनियाँ बनाई जाएंगी। तो यार ये जो है ना गुड़ की चाल सी बन रही है इसको बाद में जो है ना इसमें अलसी डाल के देसी घी में थोड़ा सा देसी घी डालेंगे वो जो है इसको थोड़ा सा बिल्कुल फ्राई करके ये इसमें डाल देंगे और फिर जो है वो ये तैयार हो जाएगी आपको अभी दिखाते हैं वीडियो में। हमारा हो गया गरम अब इसमें हम जो है वो डालते हैं सारा अलसी ये जो है वो आ गई है ये जी बिस्मिल्लाह ओ इसको जो है वो हल्का सा फ्राई वैसे इसका अपना जो है ना तेल बहुत ज़्यादा होता है इसमें लेकिन घी हमने इसलिए डाला है कि इसमें थोड़ी सी खुशबू आ जाएगी। तो यार अब इसमें हम जो है वो डालते हैं वही ड्राई फ्रूट जो हमने ग्राइंड किया था ये जी बिस्मिल्लाह आ गया अब इसको हम जो है वो मिक्स कर लेते हैं। ये अब इसके ऊपर जो है वो खसखास भी आ गई ये जो है वो बन रहा गुड़ की चाश। अब इसमें जो है वो गुड़ की चाश डालने लगे हैं और ये बिल्कुल हो जाएगी रेडी। बिल्कुल तैयार हो गई है बस मिक्स हो रही है और ये गीली गीली अभी इसके जो है वो पिनियाँ बनाते हैं लड्डू। तो यार अभी ये गरम गरम है ना गरम गरम की पिनियाँ बना लेंगे क्योंकि बाद में अगर ये ठंडी होगी ना तो इसकी पिनियाँ नहीं बनेंगी इसकी पिनियाँ बना के रख लेंगे फिर बाद में जब दिल करेगा सुकून से खाते रहेंगे। लो जी ये जो है ना हो गई है तैयार सर्दियों की सौगात खुद भी खाएं बच्चों को भी खिलाएं तो अभी हम जो है वो थोड़ी सी टेस्ट करके चेक करते हैं कैसी है। मज़ेदार बहुत मज़ेदार बन गया